फ्रेंड्स हेलो गाइस वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद वाले लोगों के लिए कनाडा से फिर से एक और बार बड़ी खबर निकल के आ रही है रिसेंटली इमिग्रेशन मिनिस्टर ने मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने तमाम कनाडा की प्रॉब्लम्स पर बात की है और न्यू इमिग्रेंट्स पर क्या काम किया जा रहा है क्या नई चेंजेस की जा रही है उनके लिए उस पर भी तमाम डिटेल में बात की है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि 2024 के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के असाइलम काफ़ी ज़्यादा क्लेम हो रहे हैं और केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कनाडा में मार्क मिलर ने बताया कि जनवरी से लेके सेप्टेम्बर दो के बीच लगभग चौदह हज़ार स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम्स फाइल किए हैं जो कि 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और उनका कहना था कि ये सब एजेंट्स की वजह से हो रहा है जो यहाँ पे कंसल्टेंट बन के बैठे हैं और यहाँ पे कनाडा की ही बजाने में लगे हुए हैं मार्क मिलन ने बताया कि एजेंट्स अपनी फीसिस के चक्कर में जो कि सात हजार डॉलर कैनेडियन बनती है उसके चक्कर में स्टूडेंट्स को विजिटर वीज़ा होल्डर्स को वर्क परमिट होल्डर्स को ये गलत एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपका किसी भी तरीके से कनाडा में लीगल स्टेटस नहीं बन पा रहा या आप यहाँ पे रह नहीं पा रहे सेटल नहीं हो पा रहे तो असाइलम अप्लाई कर लो और ये एडवाइस से के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये हमारे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है जिसका फायदा ऐसे एजेंट्स उठा रहे हैं क्योंकि कैनेडा असाइलम अप्लाई करने वालों को भी एक अच्छी लाइफ देना चाहता है जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिसका ये एजेंट्स काफ़ी बुरे तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि जब भी कोई असाइलम सीकर अपना केस क्लेम करता है या के लिए क्लेम करता है तो कनाडा उसे अलाउ करता है कि वो कनाडा में काम करें और वहाँ की लाइफ स्टाइल को अच्छे से इंजॉय करें जब तक कि उसका केस अप्रूव नहीं हो जाता या फिर उससे डिसएग्री ना हो जाते लेकिन ये एजेंट्स इस बेनिफिट का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते हैं और लोगों को गलत एडवाइस देते हैं ये क्लेम्स मोस्टली इन कंट्रीज के जरिए जो है वो किए जा रहे हैं और मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं जो कि इंडिया के स्टूडेंट्स हैं नाइजेरिया के स्टूडेंट्स हैं और गाना के स्टूडेंट्स हैं सिस्टम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि सच में जरूरतमंद है और इसका मिस सिस्टम की ईमानदारी को जो है वो खत्म कर रहा है और अब हमने फैसला किया है कि हम असाइलम सीकर के केसेस को काफ़ी फास्ट तरीके से प्रोसेस करेंगे जिससे जो सच में ज़रूरतमंद है उसका क्लेम अप्रूव्ड हो जाए ताकि वो सुकून से कनाडा में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और जो के फेक क्लेम कर रहे हैं और उनको असाइलम की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपने कंट्री नहीं लौटना चाहते सिर्फ इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं या कनाडा में सेटलमेंट लेना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द कैनेडा से निकाला जा सके